बड़ी खबर है कटनी से, जहां गर्भवती महिला के साथ बर्बरता की गई। गर्भवती महिला के पेट पर गुंडों ने लात मार दी। पीड़ित महिला के पति से मारपीट की गई। ग्रामीणों ने बसाड़ी मेन रोड पर चक्का जाम किया। इस घटना के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी की ये सभी मांग कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बदमाश नशे में धुत थे। बड़वारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कटनी से, जहां गर्भवती महिला के साथ बर्बरता की गई। गर्भवती महिला के पेट पर गुंडों ने लात मार दी। पीड़ित महिला के पति से भी मारपीट की गई। ग्रामीणों ने बसाड़ी मेन रोड पर चक्का जाम कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर यहां ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। ये बताया जा रहा है कि बदमाश नशे में धुत थे। बड़वारा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कटनी से। ये बड़ी खबर, गर्भवती महिला के साथ बर्बरता की गई। गर्भवती महिला के पेट पर गुंडों ने लात मार दी। विकास बर्मन हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, गर्भवती महिला के साथ बर्बरता हुई है, तस्वीरें भी हम आप तक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है मौके पर, आरोपी कौन है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा विवाद है एक महिला को लेकर है, जो कि समोसा खाने के लिए एक दुकान में रुकी हुई थी, जो कि यहाँ पर रेत के डंपर भी निकलते हैं यहाँ पर, और इसी बात को लेकर दो पक्षों में मतलब विवाद हो गया था। जो महिला है, महिला का पति है, वहाँ दो तीन लोग नशे की हालत में आए हैं, और समोसे को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसको लेकर पति से मारपीट की जा रही थी। महिला जो कि बीच बचाव करने पहुंची थी, महिला को भी पेट में लात मारा गया है। इसको लेकर वहां पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था, रेत के डंपर रोक दिए गए थे, और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जो मारपीट की है वो रेत के जो डंपर, जिस कंपनी के जो गुरखे हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है। इसको लेकर यहाँ पे पथराव की स्थिति तक पैदा हो चुकी है, और लोग जो ग्रामीण है, ग्रामीण भी जो रेत के गुरके उनके साइड भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, और इनके दूसरे साइड से भी पत्थरबाजी अभी लगातार जारी है। मौके पर पुलिस बल पहुंच चुकी है और स्थिति कंट्रोल करने की अलाउंसिंग कर रही है कि आप शांत रहिए, जो भी मामला उसको सुना जाएगा, और इस तरीके की बातें हो रही है, और लगातार जिस तरीके से देखा जाए दोनों साइड से हंगामे की स्थितियां पैदा हो रही है अभी। चलिए, अब नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।